ऑब्वियसली मुझे पता है कि पहले मैच से लेके आखिरी मैच तक कई सारे ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जहां पे ऐसा लगा कि चलो यार अभी हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, हमारे 11 के 11 प्लेयर फॉर्म में है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारी टीम ये अच्छा कर रही है, बट एट द सेम टाइम ये गलतियां भी हो रही है। दोस्तों, भारत वर्ल्ड कप फाइनल नहीं जीत पाया तो सबसे ज्यादा दुखी कप्तान रोहित शर्मा दिखे। हार के बाद उनके आंसू नहीं रुके। वहीं फाइनल के अगले दिन एक बेहद ही चौंकाने वाली बात सामने आई जिससे बवाल मच गया। रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया ने बेईमानी से आउट किया था, जो मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। वहीं अब खुद रोहित शर्मा ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और कुछ चौंकाने वाला बयान दिया है। दोस्तों, ट्रेविस हेड ने खुद कबूला कि रोहित शर्मा नहीं थे आउट और उसके बाद में मच गया बवाल, जिसके बाद में भड़क उठी टीम इंडिया के खिलाड़ी। विराट कोहली, मोहम्मद शमी से लेकर केएल राहुल ने दिया चौंकाने वाला बड़ा बयान, कहा कुछ ऐसा कि जिसे सुनकर आप भी रह जाओगे पूरी तरह से हैरान। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट कर बताइएगा कि इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। पूरे टूर्नामेंट में अपराजय रही रोहित एंड कंपनी को फाइनल मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही उसका तीसरी बार खिताब जीतने का सपना भी टूट गया। वहीं कप्तान रोहित शर्मा को बहुत ज्यादा भावुक देखा गया, उनकी आंखों में आंसू साफ देखे जा सकते थे। वहीं दोस्तों, फाइनल के बाद एक बेहद ही चौंकाने वाली बात सामने आई जिससे बवाल मच गया। दरअसल एक तस्वीर सामने आई है जिससे ये पता चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने बेईमानी से रोहित शर्मा को आउट किया था। ये बात है पहली इनिंग्स की। ट्रेविस हेड ने जो रोहित शर्मा का कैच पकड़ा था वो क्लियर नहीं था। दरअसल कैच को कंप्लीट करने के पहले ट्रेविस हेड के हाथों से बॉल हल्का सा छूट गई थी और बॉल जमीन पर लग गई थी, जिसके बाद हेड ने चतुराई दिखाते हुए ऐसा सेलिब्रेट किया कि उन्होंने कैच क्लीन ले लिया है। इसलिए अंपायर ने भी इसे चेक करना जरूरी नहीं समझा और इस तरह रोहित 47 रन पर ही आउट हो गए। ट्रेविस हेड की ये बेईमानी और अंपायर की ये गलती टीम इंडिया को बहुत भारी पड़ी, क्योंकि जब तक रोहित बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था भारत 300 से ज्यादा स्कोर खड़ा कर देगी, लेकिन उनके आउट होने के बाद ही मैच पलट गया और भारत सिर्फ 240 रनों पर ऑल आउट हो गई। दिग्गजों का भी मानना है कि रोहित का आउट होना ही मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वहीं फैंस ट्रेविस हेड और अंपायर पर बुरी तरह से भड़क उठे हैं, लेकिन अब इस घटना पर खुद ट्रेविस हेड का बड़ा रिएक्शन सामने आया है और उन्होंने कुछ चौंकाने वाले बयान भी दिए हैं। जी हाँ दोस्तों हेड ने इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि मैं जरूर हमारे छठे खिताब को जीतने से काफी ज्यादा खुश हूँ। हमारी टीम ने इस पूरे टूर्नामेंट में काफी बेहतर प्रदर्शन किया था, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है। हमें हमेशा बिंदास तरीके से खेलना आता है, लेकिन भारत ने भी हमें कड़ी चुनौती दी थी। भारत एक स्ट्रॉन्ग टीम है और वो भी हमारे जितने ही खिताब जीतने की दावेदार थी, बल्कि हमसे ज्यादा ही थी, क्योंकि भारत ने इस पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा था। लेकिन अब जो मेरे कैच के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि मुझसे गलती हुई है, क्योंकि जब मैंने कैच पकड़ा तो हम सभी सेलिब्रेट करने लग गए और वो विकेट भी इनफॉर्म बल्लेबाज रोहित शर्मा का था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि गेंद जमीन पर लग गई है। अगर मुझे पता होता तो मैं ये अपील भी नहीं करता। बाकी इसमें गलती मेरी नहीं बल्कि थर्ड अंपायर की है, उनको इसको सही से चेक करना चाहिए था। बाकी मैं रोहित के लिए काफी निराश हूँ, क्योंकि वो उस टाइम अच्छे से बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं रोहित कोहली भी इस बार ट्रॉफी को जीतना डिजर्व करते थे, क्योंकि दोनों ने इस टूर्नामेंट में काफी लाजवाब प्रदर्शन किया था और अपनी टीम को यहां तक लाए थे। बाकी फिर भी भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और वो भी एक चैंपियन टीम है। वहीं अब खुद रोहित शर्मा ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और कुछ चौंकाने वाला बयान दिया है। रोहित बहुत ज्यादा भावुक दिखे। उन्होंने कहा कि यह हार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, क्योंकि हमने इस पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस किया था, लेकिन सिर्फ एक मैच हारने से हम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सके। मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ। वहीं बाकी खिलाड़ी भी बहुत ज्यादा इमोशनल थे। मैं फैन से भी माफी मांगना चाहूंगा, हमने उनका भी दिल तोड़ा। अच्छी चीज के ऊपर सब लोग बात करते हैं, कोई नेगेटिव चीज के बारे में बात नहीं करता है, और ये नेगेटिव चीज में ऐसे मुझे हाईलाइट नहीं करना है। नेगेटिव गलतियां, जो गलतियां इम्प्रूवमेंट हम आगे जाके इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि ये गलती हमारे से हो रही थी। रोहित ने आगे कहा, मैंने सुबह सोशल मीडिया पर देखा कि ट्रेविस हेड ने जो मेरा कैच पकड़ा था वो क्लीन कैच नहीं था। यहाँ पर ऑन फील्ड अंपायर से जरूर गलती हुई है, ऐसे कैचेस को उन्हें चेक करना चाहिए। वहीं थर्ड अंपायर की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सही डिसीजन दे। जिस तरह से ट्रेविस हेड ने सेलिब्रेट किया, मुझे लगा उसने कैच क्लीन ले लिया है, इसलिए मैंने भी अंपायर से शिकायत नहीं की। रोहित ने आगे कहा, हेड ने यहाँ गलत किया, क्योंकि एक फील्डर को हमेशा पता रहता है कि उसने कैच पकड़ा है या नहीं। ये सरासर बेईमानी है जो हमें भारी पड़ गई।
क्योंकि मेरे आउट होने के बाद ही मैच हमारे हाथों से फिसलता चला गया। इसे देख मेरा दिल और टूट गया है। वहीं अंपायरिंग भी इस मैच में खराब रही। अंपायर का गलत डिसीजन की वजह से हमें मार्नस लैबुशेन का भी विकेट नहीं मिला। ऐसा टाइम था कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था और सबको उम्मीद था कि हम अच्छा करेंगे, लेकिन जब प्लेयर्स लोग खेलते हैं हम लोगों को भी पता होता है कि सिचुएशन और प्रेशर कितना होता है। तो दोस्तों, क्या आप रोहित शर्मा की बात से सहमत हो? क्या अंपायर की गलती भारत को भारी पड़ी और क्या ऑस्ट्रेलिया ने बेईमानी की है? इस पर कमेंट जरूर करें। दोस्तों, ट्रेविस हेड ने खुद कबूला कि रोहित शर्मा नहीं थे आउट और उसके बाद में मच गया बवाल, जिसके बाद में भड़क उठी टीम इंडिया के खिलाड़ी। विराट कोहली, मोहम्मद शमी से लेकर केएल राहुल ने दिया चौंकाने वाला बड़ा बयान। कहा कुछ ऐसा कि जिसे सुनकर आप भी रह जाओगे पूरी तरह से हैरान। तो क्या है पूरी खबर? आखिरकार क्या कुछ कह दिया भारतीय खिलाड़ियों ने? सब कुछ आज आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, विश्व कप 2023 का समापन हो चुका है, लेकिन भारत के लिए वर्ल्ड कप का समापन अच्छे से नहीं हो पाया। सभी फैंस को उम्मीद थी कि भारत 12 सालों के बाद में अपनी ही सरजमी पर एक बार फिर से वर्ल्ड कप को उठाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर उनका वर्ल्ड कप जीतने का सपना तोड़ दिया। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले फाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 240 रन ही बनाए और उसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए इस मैच को 6 विकेटों से जीत लिया और इस वर्ल्ड कप को अपने नाम कर लिया और इसी के साथ में करोड़ों भारतीय फैंस का दिल भी टूट गया। वहीं इस मैच में भारत के साथ में बेईमानी की गई थी, क्योंकि जो कैच ट्रेविस हेड ने रोहित शर्मा का लिया था वो कैच नहीं था, क्योंकि जब हेड ने कैच पकड़ा तो गेंद जमीन को टच कर गई थी, जो कि आप खुद इस वीडियो में देख सकते हो। और इस तरह से रोहित शर्मा को गलत आउट दे दिया गया, जिसके बाद में हेड ने खुद भी कहा कि रोहित आउट नहीं थे और उनको पता नहीं था कि वो गेंद जमीन को छुई है। अगर उनको पता होता तो वो अपील नहीं करते, ये मानना हेड का था। लेकिन दोस्तों, हेड ने रोहित को गलत आउट करके अपनी गलती मानी है, फिर भी भारत के खिलाड़ियों से हमें चौंकाने वाले बड़े बयान देखने को मिले हैं। तो किसने क्या कहा, ये आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने बड़ा बयान दिया, जहां राहुल ने इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि मैं हमारी इस हार से काफी निराश हूं। मैं ही नहीं बल्कि पूरा भारत काफी नाखुश है, क्योंकि सभी को हमसे काफी उम्मीदें थी, लेकिन इस मैच में हेड और ऑस्ट्रेलिया ने जो किया वो काफी शर्मनाक है। जरूर उन्होंने बोला कि उन्हें पता नहीं था कि गेंद जमीन से टच हुई है, लेकिन अगर मैं कैच पकड़ता हूं तो क्या मुझे पता नहीं चलता क्या गेंद जमीन को छुई है? इसीलिए साफ तौर पर अंपायर और ऑस्ट्रेलिया की टीम की चाल थी और थर्ड अंपायर ने भी इस पर बड़ा फैसला नहीं लिया, जिससे मैं काफी निराश हूं। वहीं भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने बात करते हुए कहा कि हमारा इस हार से दिल टूट गया है। इस हार के बाद में हमारे सभी खिलाड़ी काफी भावुक हो चुके थे। हमारे साथ में अंपायर और ऑस्ट्रेलिया ने बेईमानी की, वो काफी निराशाजनक है। हमें सोशल मीडिया से पता चला कि रोहित आउट नहीं थे। अगर सोशल मीडिया नहीं होती तो अंपायर की यह गलती किसी के सामने नहीं आती। वहीं अब खुद हेड ने भी कबूल कर लिया है कि वो कैच नहीं था, तो ऐसे में अब आईसीसी को इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए और हेड के ऊपर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, बाकी हम जरूर बाउंस बैक करेंगे। जिसके बाद में इस टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन गेटर विराट कोहली ने भी बड़ा बयान दिया, जहां कोहली ने बात करते हुए बताया कि हम फाइनल की हार से काफी निराश हैं। इस हार से न सिर्फ हमारा दिल टूटा है, लेकिन इस मैच में रोहित को गलत आउट भी दिया गया, जिसकी वजह से न सिर्फ हमारी टीम अंपायर के डिसीजन से नाराज है बल्कि पूरा भारत इससे नाखुश है। सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और फैंस का तो ये तक मानना है कि इस मैच को दोबारा कराना चाहिए, लेकिन ये अब होना असंभव है और अभी मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से नियमों को सही करना चाहिए और सबसे ज्यादा ध्यान थर्ड अंपायर को रखना चाहिए और अंपायर को हर एक बॉल चेक और कैच को सही से चेक करना चाहिए। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या रोहित को गलत आउट दिया गया था? आप अपनी राय कमेंट सेशन में जरूर बताएं।